भागलपुर में एसडीओ के सामने तमंचा लहराने वाले को उनके बॉडीगार्ड ने गिरफ्तार कर लिया, जिसको एसडीओ आशीष नारायण ने पुलिस के हवाले किया। पकड़े गए युवक के पास से एक देसी कट्टा समेत एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। दरअसल सदर एसडीओ आशीष नारायण नाथनगर से लौट रहे थे, तभी एक युवक उनके पास आकर तमंचे से फायरिंग करने लगा और फिर तमंचा हवा में लहराने लगा। वहीं एसडीओ के गार्ड ने जब युवक को ऐसा करते देखा तो उसको धर दबोचा और मुजाहिदपुर थाने के सुपुर्द कर दिया। नाथनगर प्रखंड के भ्रमण के पश्चात लौटने के क्रम में जब मैं जरलाही होकर आ रहा था, वहाँ पे एक लड़का जिसका नाम बाद में जानकारी हुई कि सूरज कुमार है, एक तमंचा लेकर लहराते हुए और एक फायर किया उन्होंने और लहराते हुए भाग रहे थे, तो मेरे बॉडीगार्ड्स ने जाकर उसे पकड़ा और उसके बाद मुजाहिदपुर थाना में उसको दे दिया। वो लड़का आपराधिक प्रवृत्ति का है, थानाध्यक्ष से जानकारी की पूर्व में भी उसे कोई अपराध किया था, तो ऐसे परिस्थिति में अपराधी कार्रवाई उसके द्वारा फिर की गई है, अपराधी कार्य फिर किया गया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए भागलपुर से रीति की रिपोर्ट। बोलिए। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे शाहपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र सहित तमाम देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत मुबारकबाद। स्वच्छ एवं सुंदर भारत के सपनों को साकार करने के लिए आइए हम सब मिलकर इस मिशन को पूरा करें। जय हिंद, जय भारत।